मनुष्य समाज धर्म के लिए सज्जन माता एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष थोड़ी चर्चा आपस में प्रेम से कैसे रहें, जीवन की सफलता क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इन विषयों पर थोड़ी चर्चा करें। पहली बात, हमारा घर स्वर्ग कैसे हो। वह घर स्वर्ग समान है जिस घर में आपस में प्रेम हो, आपस में भाईचारा हो, आपस में स्नेह हो, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे से अच्छी वार्ता होती है, वह घर स्वर्ग समान है। जिस घर में आपस में भाई भाई, पिता पुत्र, देवरान जेठान आपस में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हैं, वह घर नरक समान है। मेरी बात सूत्रों में कहूंगा मैं, आप लोग ध्यान से सुने। जिस घर में आपस में प्रेम से जीते हैं, बस वही घर स्वर्ग है। अभी तक आपने सुना होगा स्वर्ग आकाश में है, लेकिन उस स्वर्ग को आपके घर बुला रहा हूं। हकीकत यह है, स्वर्ग आकाश पताल, देवी देवता, भगवान, मंदिर, मस्जिद कहीं नहीं है, स्वर्ग आपके घर में है, यदि आपने प्रेम से जीना सीख लिया तो। और यदि आपने प्रेम से जीना नहीं सीखा तो कहीं आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। यदि आपको घर के सदस्यों में, घर के सदस्य माता पिता, भाई बहन, जो भी सदस्य हैं आपके घर के, उन लोगों में भगवान नजर नहीं आता है, तो आप लाख भगवान ढूंढ लें, लाख पत्थरों को पूज लें, लाख मस्जिदों में जाकर के माथा टेक लें, यदि आपको घर में भगवान नजर नहीं आता है तो आपको बाहर भगवान नहीं मिल सकता है, ये बात निश्चित है। यदि जो साक्षात भगवान है उनसे हम प्रेम का बर्ताव नहीं करते हैं, साक्षात भगवान कौन है? आपके घर के सदस्य, आपके माता पिता, आपके बच्चे, देरान जेठान, सास बहू, पिता पुत्र, पड़ोसी, ये आपके घर के साक्षात भगवान होंगे। अभी तक आपने भगवान मंदिर में सुने होंगे, खुदा मस्जिद में सुने होंगे, लेकिन इसको हमने बनाया है। असली भगवान घर के सदस्य होते हैं, जहां आपस में भाई भाई प्रेम से रहते हैं। जिस घर में सुबह सुबह उठते ही आपस में बड़ों का चरण स्पर्श किया जाता है, आपस में प्रेम से मिल बातें किया जाता है, वह घर में सुबह सुबह मानो ईद का त्योहार है। और जिस घर में दोपहर के समय आपस में भाई भाई, देरान जेठान, घर के सारे सदस्य एक जगह होकर के दोपहर एक साथ भोजन करते हैं, मानो वहां होली का त्योहार है। और जिस घर में एक साथ सब भोजन दोपहर में करने के बाद रात्रि के समय जब सारे लोग अपने ऑफिस की ड्यूटी से आते हैं, एक जगह बैठ करके आपसी चर्चा करते हैं, एक जगह बैठ करके आपस में जीने की बात करते हैं, व्यवहार कुशलता पूछते हैं, एक दूसरे से कोई कटु बात नहीं कहते हैं, वह घर में मानो रोज रोज दीपावली का त्योहार है। अभी तक आपने सुना है दीपावली साल में एक बार त्योहार, होली एक बार, लेकिन आपके घर में रोज ईद है, होली है, दीपावली है। यदि आपने जीना सीख लिया तो, और जीना नहीं सीखा तो, जिस घर में आप जीना जी रहे हैं वही घर के लोग आपको दुश्मन नजर आएंगे। आपको नहीं, कहीं भगवान और परमात्मा और आत्मा की बात मैं नहीं कह रहा हूं, आपके घर में प्रेम और स्वर्ग कैसे हो, आपके घर में आपस में एकता कैसे हो, प्रसन्नता कैसे हो, इस चीज पर मैं चर्चा कर रहा हूं। कभी कभी होता है कि घर में छोटी छोटी बातों में कभी कभी लड़ाई हो जाती है, बड़ी बात नहीं है। आप देखे होंगे समुद्र, समुद्र में कहीं
पूरे समुद्र में कहीं का भी पानी चखो तो खारा खारा पानी रहता है पूरे समुद्र में, लेकिन कहीं कहीं उस समुद्र में मीठे पानी का स्रोत रहता है। जहां से समुद्र में पानी आता है वहां आपको मीठे पानी का स्रोत मिलेगा, खारा नहीं रहेगा वहां का पानी। जब आप रेगिस्तान में चलते हैं तो हजारों किलोमीटर रेगिस्तान में चलते जाइए वहां पूरा रेत ही रेत, लेकिन वहां भी कहीं कहीं सुकून छाया में बैठने के लिए कहीं कटीले झाड़ में पत्ते दिखते हैं, वहां आप सुकून से बैठ सकते हैं। जहां खारा ही खारा पानी वहां मीठा पानी मिल सकता है। जहां रेगिस्तान रेत ही रेत है वहां सुकून से बैठने के लिए पेड़ का छांव मिल सकता है। जब काले बादल छाते हैं तो बादल पूरा काले काले दिखाई देते हैं, वहां भी आप बादल को चलते हुए देखे होंगे कहीं सफेद की परछाइयां रहती है। वैसे ही हमारे जीवन के साथ होता है। इस द्वंद भरे जीवन में कभी कभी ऊंच नीच कुछ बातें हो जाती है, उस बातों में अपने आप को विचलित नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति सफल व्यक्ति है जिस घर में आपस में प्रेम से रहा जाता है, जिस घर में आपस में पिता को सम्मान दिया जाता है वह घर स्वर्ग समान हो जाता है। जिस घर में पिता को सम्मान नहीं दिया जाता है वह घर मानो नर्क का समान है। जिस घर में पुत्र को प्रेम नहीं मिलता है वह घर मानो नर्क का समान है। आजकल हर घर में शिकायत होती है बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। आप सुने होंगे, आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 वार होता है, सोमवार से लेकर के रविवार तक। और 8वां वार आपको मैं बता दूं, पूरे 7 दिन का रिजल्ट के बाद में आपस में अगर जीते हैं प्रेम से तो 8वां वार होता है आपका परिवार। यदि आपने छोटी छोटी बातों में बहू के साथ बैर गांठ लिया तो आपका परिवार नरक हो गया। 7 बहू का रिश्ता कैसे होना चाहिए आप महसूस करते हैं। एक दुर्भाग्य की बात यह है माताओं के लिए, जिस बेटी को प्यार से पालते हैं पोसते हैं योग्य बनाते हैं, लेकिन ये पक्का जानते हैं कि वो बेटियां हमारे घर में नहीं रहेगी, वो कहीं दूसरे के घर जाकर के बेटी बहू बन जाएगी, ये सब लोग जानते हैं। और जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे घर भी कोई एक ऐसी बेटी आएगी जो हमारे साथ मरते दम तक साथ निभाएगी, लेकिन क्या उस बहू को प्रेम से आप बेटी का सम्मान दे पाते हैं? क्या उस बेटी को आप प्रेम से प्यार और लाड़ प्यार से रखते हैं जैसे अपने बेटी को पालते थे? क्या बहन उस सासू माँ को वही दृष्टिकोण से देखते हैं जैसे अपने माँ को देखती थी? अगर ये चीज है तो मानो घर में स्वर्ग है, लेकिन ये नहीं होता है। आपस में सास और बहू में नेवड़े और सांप का टक्कर चलता है तो फिर घर स्वर्ग नहीं हो सकता है। यदि घर में कुछ छोटी छोटी बातें में शिकायत आती है तो आपस में बैठ करके चर्चा करना चाहिए। हर एक मकसद के पीछे रहस्य रहता है। और कुछ भी घर में विकास करना चाहते हैं आप, कुछ भी घर में काम करना चाहते हैं तो आपस में बैठ लीजिए। संत जन कहा करते हैं ईटिंग और मीटिंग रोज घर में होना चाहिए। ईटिंग और मीटिंग का मतलब होता है सब लोग आपस में एक साथ मिल करके एक जगह बैठ करके कुछ चर्चा कर ले, और चर्चा करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट चर्चा करने के बाद में आपस में चर्चा खत्म हो जाए, उसके बाद एक साथ मिल करके भोजन करते हैं, वह घर का सामंजस्य वह घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। जिस माँ को बहने छोड़ करके आ जाती है उन माँ से रोज बात करने के लिए तैयार रहेगी, लेकिन जिस सासू माँ के साथ रहना है उनके साथ रोज बातें नहीं होती है। जिस
बेटी को माताएं छोड़ देती है, बहुत दूर चले जाती है अपने ससुराल में, उस बेटी की रोज याद आती है, याद आती है, पता है खाए हैं कि नहीं खाए उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं जब मैं जर्जरता की अवस्था में हूँ, पड़े रहूंगी, तब वो मेरी सेवा वो बहू करेगी, वो बेटी नहीं करेगी। आपस में इसलिए प्रेम की जरूरत है, और यही चीज से घर का संस्कार बनता है। घर में बच्चों को यही सब क्रियाकलाप से घर में आपके बच्चे सीखते हैं। एक चीज और याद ध्यान दीजिए, आप जितना आप बच्चे को सिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके बच्चे बिना सिखाए सीख जाते हैं। आप जितना बच्चे को सिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके बच्चे सीखते हैं। यदि आप अपने घर को स्वर्ग समान बनाना चाहते हैं, आप अपने घर में स्वर्ग देखना चाहते हैं, आपस में प्रेम देखना चाहते हैं, मित्रता देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत आप अपने आप से करिए, अपने आप से शुरुआत करिए। एक जगह की बात बताऊंगा, सास और बहू रोज लड़ते, सास और बहू रोज लड़ते, वो उनको बोलते, कटु कटु शब्दों से बोलते। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई, सास हार जाती है, चुप रह जाती है। उनकी बहू आती है, दो चार शब्द सुनाती है, फिर चली जाती है। ऐसे क्रियाकलाप निकलते रहे, महीनों निकल गए। एक दिन कुछ बातें हुई, फिर बहू आती है, अपने सास को कटु कटु शब्द, तीखे तीखे शब्द बोलती है और चली जाती है। इतनी में उनकी सासू माँ एक कमरे में बैठ करके रो रही थी, तभी उनके एक छोटा सा पोता आता है और अपने दादी से कहता है, दादी तुम क्यों रो रही हो? इतने में कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, बस ऐसे ही। इतने में बच्चे कहते हैं, मैं जानता हूँ आप क्यों रो रहे हैं, क्योंकि आपको मेरी मम्मी ने कटु कटु शब्द बोले हैं। आप ध्यान दीजिए इन शब्दों को, बच्चे कहते हैं, मेरी माँ ने आपको ऐसे ऐसे कटु शब्द बोले हैं जिसके वजह से आप रो रहे हैं। बच्चे इतने में कहते हैं, दादी आप चिंता मत करो, मेरी माँ बहुत दुष्टा है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने पत्नी को कहूंगा कि तुम अपनी सासू माँ का सेवा मत करना, क्योंकि हमारे दादी को बहुत परेशान करती थी। बच्चे के अंदर क्या संस्कार पड़ा? आप जितना बच्चे को सिखाते हैं उससे कहीं बच्चे अप टू डेट ज्यादा सीखते हैं। यदि कोई आदमी सिगरेट पीता है तो अपने बच्चे को नहीं कह सकता है मत पियो सिगरेट। यदि कोई आदमी गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, तो वो नहीं कह सकता कि तुम ऐसा मत करो। गाली गलौज देता है तो वो नहीं कह सकता कि तुम गाली मत दो। जो पुत्र अपने पिता को प्यार नहीं दे पाता है, अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाता है, वह आगे चल करके अपने बच्चे से सम्मान और संस्कार की बातें न सोचे। जो पिता अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाया, जो पुत्र, क्या उनके बच्चे नहीं देखेंगे? बच्चे सीखेंगे। यदि आप इन छोटी छोटी बातों से आपने बच्चे को क्या दिया, अच्छा पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, उनको मोबाइल दिया, गाड़ी दिया, कार दिया, कार की जरूरत नहीं, बच्चे को संस्कार की जरूरत है। आदमी बंधुओं, बच्चे को जितनी कार की आवश्यकता नहीं, जितने मोबाइल की आवश्यकता नहीं, जितने घर एसी कमरे की जरूरत नहीं, उससे कहीं ज्यादा बच्चे को जरूरत है संस्कार की जरूरत है। यदि बच्चे को आपने सब कुछ दिया और संस्कार नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है। वो बच्चे ऐसे दुरुपयोग करेंगे उस संपत्ति का, आप देख देख करके पश्चाताप करते रह जाएंगे, आपकी संपत्ति राख हो जाएगी। और यदि आपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिया तो आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा है, पुत्र सपुत्र का धन संचय और पुत्र कपुत्र का धन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र निकला तो उसके लिए धन संचय क्या करना,
यदि तुमने धन संचय किया, तुम्हारा पुत्र कुपुत्र निकल गया तो तुम्हारा संपत्ति सब बर्बाद कर देगा, और यदि तुम्हारा पुत्र सुपुत्र है तो धन संपत्ति इकट्ठा करने के चक्कर में अपना जीवन तबाह मत करना, क्योंकि तुम्हारा पुत्र सुपुत्र है, वो अपनी योग्यता के अनुसार खुद अपना पैर पर खड़ा हो जाएगा। संपत्ति बहुत ही जरूरत है, लेकिन संपत्ति से कहीं ज्यादा आपस में प्रेम की जरूरत है, और आपस में प्रेम की जरूरत के लिए बच्चों को संस्कार देने की जरूरत, मतलब बच्चे को समझाना नहीं है, बच्चे को समझाने के अलावा आप जीना शुरू कर दीजिए। यदि आप घर में जैसे बर्ताव करते हैं सास के साथ में, पिता के साथ में, ससुर के साथ में, या किसी भी देवरान और जेठान आपस में भाई आपस में बहन की तरह रहते हैं, तो क्या वो बच्चे नहीं देखते हैं? बच्चे देखते हैं। आप यदि चाहते हैं कि मेरी बेटी दूर जाकर के भी एक घर में बेटी की तरह रहे, तो आप ठीक वैसे ही आप अपने घर में जिस बेटी को लाए हो वैसे ही जहां से बेटी की तरह रखो, तो आपको भी वही मिलेगा। एक प्रकृति का नियम है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं दहेली में लगभग आलू अधिक बो रहे हैं, तो आलू बो रहे हैं तो 3 महीना बाद सबके सब धान काटेंगे, इतनी अच्छी बात है, नहीं काटेंगे ना धान? जो बोएंगे वही काटेंगे। यदि आलू बो रहे हैं तो आलू ही काटेंगे, गन्ना बो रहे हैं तो गन्ना ही काटेंगे। यदि आपने प्रेम बोया है, आपस में प्रेम और स्नेह का बीज बोया है, तो वही आपको लौट करके मिलता है। ये प्रकृति का नियम है, जो हम करते हैं वही हमको लौट करके मिलता है। यदि हम सुख चाहते हैं तो दुख देना बंद कर दे, बस सुख ऑटोमेटिक मिलेगा। और हम क्या चाहते हैं? चाहत सुख, सद्गुरु का एक संदेश है, सद्गुरु कबीर का, चाहत सुख, एकदम साफ अर्थों में, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख है लेकिन दुख संग नहीं छोड़ता है, क्योंकि हम दुख को पीछे पीछे लेकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाहते सुख है लेकिन करते दुख का काम है। आपको सुख से रहने के लिए संपत्ति की जरूरत नहीं है, बहुत संपत्ति की जरूरत नहीं है, सुख से रहने के लिए आपका थॉट्स अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा। यदि सुख संपत्ति से मिलता तो जिसे आज हम संत कहते हैं, बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, उनका नाम नामो निशान मिट जाता। जिसे हम संसार के तारा कहते हैं, जिसे सद्गुरु कहते हैं, उनके पास दुख ही दुख होता। संपत्ति से सुख सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। संपत्ति से जीवन का निर्वाह होता है, संपत्ति से मन का समाधान नहीं होता है। संपत्ति जीवन निर्वाह की चीज है, सुविधाएं की चीज है, लेकिन संपत्ति से यदि हमने सुख चाहा तो फिर नहीं मिल पाया, मुश्किल हो जाएगा। और उसी का परिणाम है कि हम बिना संपत्ति के सुख से रह सकते हैं। जीवन निर्वाह के लिए कुछ संपत्ति की जरूरत है, नहीं है नहीं, जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है संस्कार की। मैं कह रहा था आपस में जितना ही हम प्रेम से जीते हैं उतना ही आपके बच्चे वो चीज सीखते हैं। आप जितना करते हैं उतना ही आपके बच्चे वो चीज फॉलो करते हैं। इसलिए जितने लोग बैठे हैं यहाँ, आपस में कोई भी दुर्व्यसन करते हो तो सबसे पहले दुर्व्यसन करना बंद कर दे। यदि आप सुख चाहते हैं तो, नहीं तो होता क्या है, यदि आपने आज शराब पिया, उदाहरण के लिए यदि आप शराब पीते हैं और शराब पीकर के घर में आकर के सो जाते हैं, तो आपके बच्चे ही तक सीमित नहीं रहेंगे। आपके बच्चे शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, ना जाने क्या क्या कर्म करेंगे, और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब आप बुढ़ापे की अवस्था में होंगे, आपके बच्चे आपसे आकर के पैसा मांगेंगे, आपके बच्चे को आप पैसा नहीं देंगे, गुस्सा में आएंगे, कहीं से पी शराब पी करके आएंगे और अपने पैर से जूता निकाल करके जब अपने ही पिता के सिर पर, जब कपार पर जूता लगाएंगे, तब लगेगा शायद मैंने बच्चे को संस्कार नहीं दिया, संपत्ति दिया, कार दिया, गाड़ियां दिया, सब कुछ दिया, लेकिन संस्कार नहीं दे पाया,
तो जीवन के पश्चाताप करते रह जाएंगे। आदमी अच्छा बनने के लिए विद्वान होने की भी जरूरत नहीं, ये भी याद रखिए। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे अच्छा से जी सकते हैं? हम तो बड़े पैसे वाले नहीं हैं, कैसे अच्छा से जी? जब गाली देने के लिए पैसे वाले की जरूरत नहीं है, निंदा करने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, तो अच्छा से जीने के लिए पैसे की क्या जरूरत है, विद्वान होने की क्या जरूरत है? जब बिना पैसा का गाली दिया जा सकता है, बिना पैसा का निंदा चुगली किया जा सकता है, और निंदा और चुगली और गाली देने के लिए आदमी मुहूर्त नहीं देखते हैं, जब मुंह में आए जो आए बोल पड़ते हैं, और अच्छा काम के लिए मुहूर्त देखते हैं, दुर्भाग्य है। कभी भी अच्छा काम करना है उसके लिए समझो हर समय अच्छा मुहूर्त है, बुरा काम के लिए मुहूर्त देखिए चलो, लेकिन अच्छा काम के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत है आपस में प्रेम से जीने की। एक लगभग 24-25 साल की लड़की अवस्था काफी हो गई थी, 24-25 साल की अवस्था में थी। इतने में उनके पिता ने सोचा अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे इनकी शादी कर देनी चाहिए। पिता आकर के अपने बेटी से पूछती है, बेटी अब मैं तुम्हारी शादी करने के लिए सोच रहा हूँ, तुमको कैसा पति चाहिए? प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकालत करता हो, प्राइवेट जॉब करता हो, एसी का गाड़ियाँ हो उनके पास, अच्छे बंगले हो, कोई नेता हो, कैसा वर चाहिए तुमको? अपने अपनी बच्ची से एक पुत्र, अपने बच्ची से एक पिता पूछ रहा है। बच्ची चुप रहती है, थोड़ी देर बाद बोलती है, पापा मुझे ना इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, मास्टर, वकालत, प्राइवेट जॉब करने वाले, इस सारे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप जैसे हो वैसा पति मेरे लिए ढूंढ देना। उनका पिता हाथ अपने सीना पर रखते हुए महसूस करता है, शायद मुझे एक पिता होने का दर्जा मिल गया। आप अपने बच्चे से पूछ सकते कैसा पति चाहिए, या माताएं अपने बेटे से पूछ सकते हैं कैसे बहू चाहिए, और कह दे आप जैसा चाहिए तो मान करके चलो कि आपने शायद साक्षात उसके लिए भगवान का काम किया है, और यदि ये नहीं कर पाए तो शायद आप सफल नहीं हो पाना। हो सकता है स्वभाव की चर्चा है। आपस में प्रेम से रहने के लिए मैं ये चीज बताया खास, बहुत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मैंने बीच में कहा संपत्ति से सुख नहीं मिलता, यदि संपत्ति से सुख मिलता, कुछ संपत्ति चाहिए जीवन के लिए, बात तो पक्की है, यदि संपत्ति से सुख मिलता तो हम लोग घर परिवार छोड़ करके संतों के साथ नहीं आते। संतों के साथ में जो आनंद है, वो उत्साह है, वो चीज हम लोग को नहीं मिलता। हम लोगों ने एक परिवार छोड़ा तो हजारों परिवार मिले, हम लोगों ने संपत्ति के पीछे जीवन भर दौड़ते रहते, लोग संत जिसे आप कहते हैं तो फिर संत नहीं कहलाते। इसका मतलब आप कोई नहीं कह रहा हूं कि आप भी परिवार छोड़ करके संत के यहाँ चले जाइए, संपत्ति छोड़, इसकी जरूरत है मैंने पहले ही कहा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरत है आपस में प्रेम से कैसे रहें। एक छत्तीसगढ़ के घर है, एक जगह है, एक घर में देरान और जेठान आपस में एक जगह रहते हैं। जब भी उनको देरान और जेठान अलग अलग गांव से आई है, और जब भी उनके भाई लोग उनको लेने के लिए आते हैं, तो दोनों पहले एक के यहाँ जाती हैं, तब 4 दिन उनके यहाँ होकर के, तब 4 दिन उनके यहाँ जाते हैं। कितना प्रेम, इतना प्रेम होना, जहां कोई खून का रिश्ता नहीं है वहां भी इतना प्रेम है। इसलिए आपस में आप जितना ही, घर में कभी कभी होता है कुछ कुछ बातों में कुछ कुछ बातें हो जाती है, छोटी मोटी बातें वो चलती है, लेकिन आपस में यदि आप गांठ बांध करके रखते हैं, संशय बना करके रखते हैं, एक दूसरे के प्रति शिकायतें रहती है, तो वह जीवन घर में स्वर्ग नहीं मानो नरक है।
अभी भी अवसर है, आप अपने घर में हरियाली छा सकते हैं, आप अपने घर को सकुशल बना सकते हैं, आप अपने घर में प्रसन्नता का माहौल ला सकते हैं। जैसे ही आप घर में प्रवेश करें, आपके बच्चे आपके लिए दौड़ लाना चाहिए, पापा आ गए, मम्मी आ गए। लेकिन होता क्या है, मम्मी पापा पापा आते हैं, जैसे आप ही से बच्चे कोने कमरे में चले जाते हैं, हम लोग अच्छे से खेल रहे थे, कहां से पापा आ गए। अपना दबदबा, वो दबदबा अच्छी नहीं है। जिस जगह आप जाते हैं और जब वहां से आप चले जाते हैं, तो आपकी कमी महसूस होना चाहिए, आपका जीवन ऐसा हो जैसे आपने किसी के यहां गया। एग्जाम्पल के रूप में आपने अपने दीदी के यहां गए, अपने मामा के यहां गए, या किसी के यहां रिलेशन में किसी के यहां गए, तो आप जब उस घर से निकल गए, तो आपकी वहां कमी महसूस होना चाहिए। आपका व्यवहार ऐसा, स्वभाव ऐसा हो, इतना मधुर हो, इतना मधुर हो कि आपकी कमी महसूस हो, तो आप सफल व्यक्ति है। और यदि आप वहां से जाने के बाद लोग प्रसन्नता से भटक पड़ते हैं, अच्छा हो गया, चला गया, एक कांटा खत्म हुआ, तो मतलब आप सफल व्यक्ति नहीं है और आप उस घर को स्वर्ग नहीं बना सकते। शुरुआत करना है अपने आप से, आप प्रेम से बोलना शुरू करिए, बच्चे आप ही आप सीखेंगे। वाणी एक ऐसा माध्यम है जो कि हंसते हुए को रुलाया जा सकता है और रोते हुए को हंसाया जा सकता है। वाणी एक ऐसा माध्यम है, आपके साथ किसी की कुछ बातों में टकराहट हो जाती है, लेकिन वही एक वाणी ऐसा माध्यम है जो कि आप प्रेम से और मीठे शब्दों से उसको समझा सकते हैं। वाणी एक ऐसा माध्यम है जिसे खूंखार से खूंखार जानवर कहते हैं, शेर जैसे जानवर को सर्कस वाले मीठे शब्दों में बेटा बैठ जाओ कहते हैं तो शेर बढ़ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, जो जानवर खूंखार है, जन्म के दुश्मन है, आदमी के साथ शेर की पटरी नहीं बैठती, कभी भी मार खाते हैं, उसको भी आदमी अपने अंकुश में कर लेता है और आदमी आदमी से डरता है। भगवान आदमी को भगवत्ता नजर नहीं आती है, इसलिए घर में जितने सदस्य है वो असली भगवान है, असली देवी देवता है, आपस में उनके साथ प्रेम से वर्ताव करें। और असली भगवान कहीं बाहर नहीं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, यहाँ एक हमारे आदर्श रहते हैं, असली भगवान आपके घर में रहते हैं। एक अच्छे लेखक ने लिखा था, हे भगवान, एक मूर्तिकार ने लिखा था, हे भगवान, इस दुनिया में आप भी एक इंसान का पुतला बना करके भेजते हैं और मैं भी एक मूर्तिकार हूं, मैं भी एक मूर्ति बना करके भेजता हूं। दोनों का रूप बराबर होता है, आप जो बनाते हैं उसके भी दो पैर होते हैं, मैं भी बनाता हूँ उसका भी दो पैर, आप बनाते हैं उसके भी हाथ, मैं बनाता हूँ उसका भी हाथ। लेकिन आप जितने भगवान बना करके भेजते हैं, वो मूर्तिकार कहते हैं, आप जितने भगवान बना करके भेजते हैं, आप जितने मनुष्य बना करके भेजते हैं इस दुनिया में, उतने मनुष्य आपस में लड़ते हैं और जिसको मैं बनाता हूँ उसके सामने नाक रगड़ते हैं। जिसको आदमी हम स्वयं बनाता है उसके सामने नाक रगड़ते हैं, और जबकि जिसे हम भगवान कहते हैं वो भेजते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। तो असली भगवान किसको मानेंगे आप? इसलिए भगवान को समझे। आपके घर के सदस्य, आपके घर के बुजुर्ग माता पिता, आपके घर के बच्चे ही असली भगवान है। उनको आप जितना ही प्यार से समझाते हैं, जितने ही अच्छी बातें बताते हैं और आप खुद जीते हैं, उतने ही आपके घर में स्वर्ग होता है और वह घर स्वर्ग समान हो जाता है। और उसी घर में ईद है, उसी घर में दीपावली है, उसी घर में होली है, जहां रोज आपस में भाईचारे का बर्ताव होता हो, आपस में स्नेह और प्यार होता हो। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।